राज्यसभा चुनावों को लेकर प्रदेश में सरगर्मियां तेज हो गई है। कांग्रेस के बाद अब कल भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। मंगलवार सुबह 11 बजे भाजपा मुख्यालय में होने वाली विधायक दल की बैठक में आरएलपी विधायक भी शामिल होंगे, जिसमें विधायकों को चुनाव में वोटिंग देने की ट्रेनिंग भी की जाएगी। हालांकि बैठक के बाद विधायकों को 2 से 3 दिन तक एक ही जगह पर रखा जाएगा, जहां पर 3 से 4 सत्र डमी वोटिंग के होने वाले हैं। इसी के दौरान पार्टी की रीति और नीति से जुड़े कार्यक्रम भी होंगे। राज्यसभा चुनाव में भाजपा की ओर से राजेंद्र गहलोत और ओमकार सिंह लखावत को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि भाजपा के पास दूसरे प्रत्याशी के लिए पर्याप्त संख्या बल नहीं है। बीजेपी के 72 विधायक आरएलपी के 3 विधायक हैं। ऐसे में ओमकार सिंह लखावत की जीत के लिए बीजेपी को 27 और विधायकों की आवश्यकता है। तो वहीं भाजपा दावा कर रही है कि उनको कांग्रेस पार्टी के मनमुटाव और मोदी व बीजेपी की नीतियों में अविश्वास रखने वाले विधायकों का समर्थन मिलेगा। तो वहीं इस बैठक में राज्यसभा चुनावों को लेकर बनाए गए प्रभारी अविनाश राय और मुरलीधर राव भी शामिल होंगे। इसी के साथ नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उपनेता राजेंद्र राठौर भी शिरकत करेंगे। हमने बहुत पहले से ही तय किया था कि 16 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी। इसमें औपचारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था रहती है। 26 ऐसे नए विधायक हैं जो पहली बार सदन में आए हैं, तो तकनीकी तौर पर इसमें वरीयता का वोट होता है, उसके लिए उनका कम से कम 2-3 बार उनकी मॉक पोलिंग करवानी होती है। तो हम लोगों ने कोशिश की है कि जब तक पूरे तरीके से परफेक्ट पोलिंग नहीं हो जाए, तब तक हम उसको 2 बार 3 बार जितनी बार भी आवश्यकता रहेगी, जब इकट्ठे रहेंगे तो स्वाभाविक तौर पर 2 दिन या 3 दिन का जो भी अंतराल रहेगा, लेकिन उस दौरान एक व्यवस्थित दिनचर्या के नाते कोशिश करेंगे कि योग प्राणायाम और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति से संबंधित कुछ विषय जिन पर उनका प्रबोधन होगा। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी पिंटू सिंह नरूका फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पिंटू, लगातार जो राज्यसभा चुनाव है उनकी सरगर्मियां तेज हो चली है। दोनों पार्टियों के द्वारा अपने अपने पैतृ यहां पर आजमाए जा रहे हैं। इसी बीच भाजपा विधायक दल की कल बैठक है, इसके अलावा क्या तमाम अपडेट है आपके पास? देखिए, जैसे ही प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों पर 19 जून को चुनाव होने हैं, कांग्रेस के पास पर्याप्त संख्या बल है, निर्दलीय विधायक है, और बीजेपी पर्याप्त संख्या बल से काफी दूर है। 72 विधायक बीजेपी के हैं और 3 विधायक आरएलपी के जो है उनका समर्थन है इनको जी। उसी के तहत कल एक विधायक दल की बैठक भाजपा मुख्यालय में सुबह 11 बजे होनी है, और इस विधायक दल की बैठक में जो आरएलपी के 3 विधायक हैं वो भी शामिल होंगे और तमाम रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे। आला नेता उनसे बात करेंगे। साथ ही जो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही कांग्रेस के विधायकों को, निर्दलीय विधायकों को, सबको एक साथ ठहराया गया है, उसी को देखते हुए जो बीजेपी के और आरएलपी के विधायक हैं उनकी कल बैठक के बाद उनको भी चुनाव तक एक जगह रखा जाएगा, और इस दौरान जो बीजेपी की जो सीनियर लीडर्स हैं वो इनको मतदान प्रशिक्षण देंगे, किस प्रकार से वोट डाला जाता है राज्यसभा का वो उनकी पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि 23 के लगभग नए विधायक बीजेपी के जीत कर आए इस बार, तो उनको राज्यसभा चुनाव के मतदान का उतना ज्ञान नहीं है। कहीं ना कहीं इसी को वो चाहते हैं कि एक वोट भी अगर कहीं खारिज होता है तो बड़ा नुकसान हो सकता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मतदान प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, और जो करीब 19 जून तक इन सभी विधायकों को एक ऐसे स्थान पर ठहराया जाएगा, होटल में या रिसोर्ट में, जहां पर आरएलपी और बीजेपी के विधायक रहेंगे। इस पूरे दरमियान के दौरान करीब 4 सत्र होंगे जो डमी वोटिंग के, और साथ ही जो पार्टी के रीति नीति से संबंधित कुछ कार्यक्रम होंगे जो पार्टी के जो बड़े वक्ता हैं वो संबोधित करेंगे। तो कल ये जो बैठक होगी काफी महत्वपूर्ण है, विधायक दल की बैठक है, उनमें तमाम विधायकों को संबोधित किया जाएगा और आगे की जो रणनीति है वो बताई जाएगी और किस प्रकार से मतदान करना है वो सारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिलहाल इस बैठक में जो राज्यसभा चुनाव के जो प्रभारी बनाएंगे, जो पहले से बीजेपी के प्रदेश प्रभारी है अविनाश राय खन्ना वो, और मुरलीधर राव, ये दोनों प्रभारी बनाए हुए हैं, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे, और तमाम जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है वो भी मौजूद रहेंगे। जी जी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया पिंटू।